अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवन उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स और वाफियत से होंगे आज हम करेंगे एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन के क्वेश्चन नंबर टू को इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर वन को डिस्कस कर चुके हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू है इन आ बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वेंटी स्टूडेंट्स ऑफ द डॉन पब्लिक स्कूल गॉट द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ एट फिफ्टी मार्क्स कंस्ट्रक्ट आ फ्रीक्वेंसी टेबल बाय टेकिंग हंड्रेड एज अ क्लास इंटरवल यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं और जो कि 850 में से हैं ये 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं और इनका हमें फ्रीक्वेंसी का टेबल कंस्ट्रक्ट करना है जबकि जो क्लास इंटरवल है वो हमें हंड्रेड का लेना है तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख लेते हैं और वह उसने दिया हुआ है हंड्रेड तो हम लिख लेंगे क्लास इंटरवल इज़ इक्वल टू हंड्रेड ठीक है अब हमें अपने इस डाटा को अरेंज कर लेना है ताकि हमारे लिए क्लास इंटरवल मार्क्स और फ्रीक्वेंसी में आसानी हो सके ठीक है तो इस सारे डाटा को हम अरेंज कर लेंगे तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम 500 वाली वैल्यूज़ देखते हैं तो एक 500 की वैल्यू है 551 हंड्रेड वैल्यू है फाइव और थर्ड वैल्यू है फाइव तो ये थ्री वैल्यूज़ है हमारी 500 में जो आ रही हैं और जो सबसे लेस देन है उसको पहले लिख लेते हैं वो है 551 हंड्रेड में हम जो 551 के बाद आती है वो है 580 उसे लिख लेंगे और नेक्स्ट हम लास्ट पे 599 तो ये थ्री वैल्यूज़ हैं जो हमारी 500 में आ रही हैं उसके बाद 600 वाली वैल्यूज देख लेते हैं तो सिक्स वाली वैल्यू में सिक्स है उसके बाद सिक्स है ठीक है और देन 651 है 625 है 646 है 67 है 675 है तो इन 600 वाली वैल्यूज को भी हम अरेंज कर लेंगे तो सबसे जो स्मॉलेस्ट है इन सारी वैल्यूज में से वो हमारे पास है 609 ठीक है 609 के बाद हमारे पास है 625 तो सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगी 625 उसके बाद थर्ड में हमारे पास जो वैल्यू है वो है सिक्स हंड्रेड फोर्टी सिक्स ठीक है और सिक्स हंड्रेड फोर्टी सिक्स से जो ग्रेटर वैल्यू है वो है हमारे पास सिक्स हंड्रेड फिफ्टी वन सिक्स हंड्रेड फिफ्टी वन के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो है सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सेवन और सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सेवन के बाद जो हमारे पास वैल्यू है वो है सिक्स हंड्रेड सेवेंटी फाइव ठीक है 675 इसे लिख लेंगे 675 के बाद हमारे पास 600 में जो वैल्यू है वो है ठीक है 678 सिक्स हंड्रेड सेवनटी एट ठीक है वैल्यू है वह सिक्स हंड्रेड नाइनटी सिक्स हंड्रेड की वैल्यूज कंप्लीट हो गई हैं अब सेवन हंड्रेड वाली वैल्यूज देख लेते हैं एक ये है नेक्स्ट हमारे पास ये है सेवन हंड्रेड में ये है सेवन ट्वेंटी है सेवन फिफ्टी है और उसके बाद सेवन नाइनटीन है सेवन सिक्सटी है सेवन हंड्रेड फाइव है और सेवन हंड्रेड फिफ्टी थ्री है तो इन सारी वैल्यूज़ को भी हम अरेंज कर लेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा सेवन हंड्रेड जो सबसे इनसे लेस देन है इसके बाद आ जाएगा सेवन हंड्रेड ट्वेंटी ठीक है सेवन हंड्रेड ट्वेंटी के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ठीक है सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव के बाद हमारे पास आ जाएगी सेवन हंड्रेड फिफ्टी ठीक है सेवन हंड्रेड फिफ्टी के बाद हमारे पास आ जाएगी सेवन हंड्रेड फिफ्टी थ्री ठीक है सेवन हंड्रेड फिफ्टी थ्री सेवन हंड्रेड फिफ्टी थ्री के बाद हमारे पास वैल्यू है सेवन हंड्रेड सिक्सटी सेवन सिक्सटी के बाद है हमारे पास सेवन हंड्रेड सेवेंटी फाइव सेवन सेवन फाइव के बाद हमारे पास सेवन हंड्रेड में नेक्स्ट वैल्यू है सेवन हंड्रेड एटी एट है और सेवन हंड्रेड एटी सिक्स है ठीक है इन दोनों में से हमारे पास जो लेस देन है वो है सेवन एटी सिक्स और इसके बाद आ जाएगी सेवन एट एट तो यूँ हमने इन तमाम वैल्यूज़ को ये जो 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उनकी वैल्यूज़ को हमने अरेंज कर लिया है ठीक है स्मॉलर वैल्यू से हमने ग्रेटर वैल्यू की तरफ इसको लिख लिया है ठीक है ये टोटल वैल्यूज़ हैं 20 काउंट करके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी तो इस तरह से वाजिया हो गया कि हमने इन तमाम वैल्यूज़ को लिख लिया है ठीक है अब इसका हम फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लेंगे तो क्लास इंटरवल हमें जो लेनी है वो है हमारे पास जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो है फाइव हंड्रेड फिफ्टी वन और फाइव हंड्रेड फिफ्टी वन में उसने हमें क्लास इंटरवल का है हंड्रेड की लेनी है तो अगर हम इसमें हंड्रेड ऐड करते हैं तो फिफ्टी वन को भी फाइव हंड्रेड फिफ्टी वन जो है इसमें इस वन को भी हमें ऐड करना है तो यू हमारे पास क्या आ जाएगा सिक्स हंड्रेड फिफ्टी तक अगर हम इस वन को भी जो कि फिफ्टी वन का वन है इस वन को भी ऐड करते हैं तो इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट क्लास है हंड्रेड की वो फाइव हंड्रेड फिफ्टी वन से सिक्स फिफ्टी तक जो है वो बनेगी ठीक है अब हमें टेली मार्क्स जो है वो इसको मद्देनज़र रखते हुए लगाना है फाइव हंड्रेड फिफ़्टी वन से सिक्स हंड्रेड फिफ़्टी वन के बिटवीन में इनके दरमियान में कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे डाटा में मौजूद फाइव हंड्रेड फिफ्टी वन से लेके सिक्स हंड्रेड फिफ्टी तक ठीक है तो यहाँ तक ये यह वैल्यूज़ ये आगे 651 स्टार्ट हो जाता है लिहाजा हमने 650 तक ही काउंट करना था ठीक है तो ये यह यहाँ तक हमारे पास वैल्यूज़ क्रिएट हो रही हैं और ये कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है थीके? तो हम सिक्स के टेलीमार्क्स को कुछ इस तरह लगाते हैं वन टू थ्री फोर और जब हमने फाइव लगाना है तो इस तरह से हमने एक इसके ऊपर फिफ्थ वाली जो लाइन है वो इन फोर के ऊपर इस तरह से ड्रॉ करनी है ये टोटल सिक्स हैं ठीक है ये हमारे पास फाइव हुई हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव और ये साथ में सिक्स है और यूं हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ गई इस क्लास इंटरवल की सिक्स है ठीक है अब सेकेंड जो क्लास है वो हमें इसमें वन ऐड करना है 650 है तो 651 तो हो जाएगा जैसे कि प्रीवियस में मैंने बताया कि इस वन को भी हमें ऐड करना है तो ये 750 तक चलेगा ठीक है तो यूं अगर 51 का ये वन भी ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो 100 की क्लास इंटरवल बनेंगी ठीक है अब 651 से 750 तक हम काउंट करेंगे ठीक है 651 से लेके तो हमारे पास 750 तक नंबर्स आएंगे यहाँ तक ठीक है तो इन नंबर्स को काउंट कर लेंगे ये कितने नंबर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन तो ये हमारे पास नाइन नंबर्स हैं तो नाइन का टेलीमार्क लगा लेंगे वन टू थ्री फोर और ये फा फाइव हो गया ठीक है अब हमें फाइव और नाइन है टोटल तो फोर मजीद ले लेने हैं वन टू थ्री एंड फोर इस तरह फाइव ये और फोर ये टोटल हमारे पास नाइन नंबर्स हैं जो इसके बिटवीन में आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई हमारे पास नाइन नेक्स्ट हमें लास्ट जो क्लास इंटरवल लेना है वो सेवन फिफ्टी वन से एट फिफ्टी तक लेना है ठीक है अब हमें इसी तरह से इस फिफ्टी वन के इस वन को भी हमें इस हंड्रेड के क्लास इंटरवल के लिए यूज़ करना है ठीक है तो इसके बिटवीन में देखें कितनी वैल्यूज़ हैं जो सेवन फिफ्टी वन के बाद हैं वो है हमारे पास ये वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है तो यहाँ पे हम फाइव का मार्क्स लगा देंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि इसके बिटवीन में फाइव वैल्यूज़ हमारे पास डाटा में मौजूद हैं वन टू थ्री फोर और फिफ्थ वाली इसके ऊपर ठीक है और यू हमारे पास क्या आ गया फ्रीक्वेंसी इसके बिटवीन में फाइव ठीक है तो अगर हम इनको काउंट करते हैं सिक्स और नाइन फिफ्टीन और फाइव ट्वेंटी तो इस तरह से ये ट्वेंटी हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो कम्प्लीटली तौर पर कम्प्लीट हो जाती हैं